क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंजार आलम है। अंजार आलम जी। अच्छा, अभी ये जो जैसे एक भड़बड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखे थे उसको? जी जी जी, मैं मतलब उस टाइम मतलब यहीं पे था, मतलब इधर से एक मतलब मेल गाड़ी आ रही थी, उसके बाद ये मतलब वो वाला गाड़ी जैसे मतलब इधर से गया, उसके बाद ये मतलब यहाँ पे जो मतलब स्टाफ है वो मतलब ऊपर कर दिया गेट, उसके बाद ये सब मतलब आदमी से मतलब आने लगा धीरे धीरे, लेकिन उधर से भी एक मतलब ट्रेन आ रहा था, तो उसने शायद उसको मतलब नहीं देखा, जो मतलब स्टाफ है यहाँ का जो। हाँ, तो ये मतलब वापस जैसे मतलब उसका मतलब नज़र पड़ा कि मतलब उधर से भी ट्रेन है, तो उसको फिर मतलब वो क्लोज करने के लिए मतलब नीचे कर रहा था वो, तो मतलब नीचे तो ये मतलब हो गया, लेकिन वहाँ पे जो ये था बुटबुटी था वो मतलब रुक गई वहीं पे उस जी। उसके बाद फिर मतलब वहाँ से जो भी था मतलब ड्राइवर वहाँ से मतलब निकल के ये मतलब आ गया मतलब इस पर, उसके बाद ये मतलब हादसा हुआ सही, बस इतना ही देखा। आप देखे थे इसमें क्या हुआ था? जी देखे थे। क्या क्या घटना हुआ था? हुआ सर, दो तीन बार आज भी घटना हुआ ना सर। आज क्या हुआ सर? इधर गेट खुला हुआ था, दोनों तरफ से ट्रेन आ रहा था, इधर वाला ट्रेन चला गया था, इधर वाला आ रहा था, अचानक गेट बंद कर दिया। बुड़बुड़ी का दो चार खम्मा रहा था ना, दो खम्भे में लग गया था बुड़बुड़ी को पीछे। अच्छा, तो बुड़बुड़ी फंस गया पीछे और पूरा बुड़बुड़ी आगे था। अच्छा, उधर से ट्रेन आया, वो आगे वाला चक्के में ठोकर मार के उसको पीछे साइड मारा। तो उसमें तो जैसे बुड़बुड़ी चालक था, वो कैसे जान बचाया देखे थे? हाँ, वो पूरी मार के आया है, दौड़ के मतलब कूद के भागा वहाँ से। उसके बाद तो वो पूरा खत्म हो गया होगा गाड़ी? हाँ, गाड़ी तो पूरा खत्म हो गया, बैन बंद कर दिया पूरा गाड़ी। तो इसमें आपको किसका गलती लग रहा है? गेटबान का गलती है। गेटबान का गलती है, यही घर है आपका? हाँ यही घर। क्या नाम हो गया? अंजार आलम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। कहाँ घर है? बसतपुर। यही घर है। तो अच्छा, इस जो ये जो आज जो भड़बुड़ी चालक जो अभी जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी में, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, किसका गलती है? गलती तो गेटबान का है, गेट खुला हुआ था और ये पास किया, जैसे कि देखा गाड़ी इन हो रहा है, तो ये फिर अपना जान बचा लिया और बुड़बुड़ी को मार दिया। आप देखे थे? जी, यहीं पे थे आप? हम चाय का दुकान में थे। चाय का दुकान में बैठे थे जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या क्या हो गया? उसके बाद हंगामा हुआ, हलचल हो गया, पब्लिक जुटा, है ना, हो हल्ला हुआ, उसको मारने का भी गया, लेकिन कहा जो नहीं, कानून को हम लोग अपना हाथ में नहीं ले लेंगे, है ना, कानून का हम लोग मतलब सहारा लेंगे, है ना, तो मतलब उसको शांति किया गया और मामला अभी यहाँ तक पहुँचा है ना। जबकि फैसला कोई भी गवाह का ही अनुसार में होता है, तो निर्दोष को निर्दोष साबित किया जाए, दोष को दोषी साबित किया जाए। जैसे ही ये घटना हुई, उस वक्त 12 बजे कुछ मिनट में चारों तरफ मैसेज फैल गया, और उसी टाइम में यहाँ से वंदे भारत ट्रेन गुजरने वाली थी, जिसको बारसो में भी रोका गया और बीच में भी रोका गया, यानी वंदे भारत जैसी ट्रेन को रुकना पड़ा था दो जगह, बारसो स्टेशन में और बीच में कहीं पर और रोका गया था उसको। उसके बाद बारसोई से, कटिहार से और किशनगंज से, दालकोला से बहुत सारे अफसर, DRM सहित बहुत सारे अफसर आए थे, ADN DEN पता नहीं कौन कौन से थे, सारे लोग आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए, और जांच में ये साफ पता चल गया, प्रत्यक्ष रूप से पता चल गया कि गेट मैन की गलती है, गेट लॉक नहीं था। गेट अगर लॉक नहीं था, उसके अलावा इसके पास एक ऑप्शन और था, पैडलॉक भी इसको दिया जाता है लॉक करने के लिए, लेकिन पैडलॉक भी दिया हुआ नहीं, लगाया हुआ नहीं था। और जब पूछा गया उसको कि लिखित में आपने कोई कंप्लेंट किया कि नहीं गेट लॉक होने का, तो उसने बताया कि लिखित में कोई कंप्लेंट नहीं है, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने भी पता किया डिपार्टमेंट के लोगों से, तो किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि इसके लिए कोई आवेदन दिया गया था कि नहीं, गेट को रिपेयर होना चाहिए। तो ये सारी नेग्लिजेंसी है डिपार्टमेंट की, और डिपार्टमेंट को इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और बुटबुटी वाले को इनका इंसाफ मिलना चाहिए, उसको बुटबुटी का मुआवजा मिलना चाहिए, और उसको बड़ी करना चाहिए, बाइज्जत बड़ी करना चाहिए, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उसको जो है इसकी इसका खामियाजा उसको उठाना चाहिए, उसको इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी चाहिए। थैंक यू।